हेलो नमस्कार दोस्तों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को सुनने को आ रहा है कि 4700 सीट आ रही है तो कभी 15000 आ रही है तो कभी 20000 आ रही है। आखिर क्या सीट का मामला क्या है, आप सभी को एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ऊपर से आजकल आज के डेट में आज भी एक चीज सुनने को आपको आया है कि बहुत ज्यादा फर्जीवाड़े को साइड हो रहा है। भाई अभी तक फर्जीवाड़े को साइड ही किया जा रहा है, इतना बात समझ लीजिए। ऊपर से 4700 का डाटा जो आपको प्रकाशित किया गया था, तो समझिए कि 4700 डाटा जो है अभी तक के फर्जीवाड़े जो निकले हैं केवल कुल मिलाकर 4700, और अभी तक का आज के डेट में भी लमसम 127 से ऊपर तक लोगों का यानी कि फर्जीवाड़ा में शामिल हुए हैं उनको छाटा गया है। तो यानी कि सीट का जो है अभी मान के चलिए, इस बात से आप लोग पूरी तरह से सहमत हो जाइए कि अभी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी नहीं आने वाली है। यानी कि अभी जो है फर्जीवाड़े को चुना जा रहा है, एक एक करके चुना जा रहा है कि कौन कौन फर्जीवाड़ा किया हुआ है। ठीक है, तो पूरी तरह से जब फर्जीवाड़ा अगर पूरे निपट जाएगा तभी ना आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। तो इस बात से लोग कहते रहा कि हाँ आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो इस बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी मतलब समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट से पहले जो है रिजल्ट बोल रहे हैं एग्जाम, जब तक ले बीपीएससी का फेज टू का अगर एग्जाम नहीं होगा तब तक के आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, और जो सपना दिखाने वाले जो है कि बहुत सारे कि 15000 20000 आएंगे, तो आधे जरूर, लेकिन राजनीति के मामला के चक्कर में वो सब कोई सीट नहीं आने वाला है। केवल आएगा तो बस जितना सीट पर डबल यानी मल्टीपल रिजल्ट आया है वो वाला, नहीं तो जो स्टेट है जो सीटेड फेल है उसी पर आपको रिजल्ट मिलने को है। ठीक है, तो 20-25 हज़ार का सपना जो है दिखा रहे हैं वो सब भूल जाइए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि आपका सिलेक्शन हो। सरकार सिर्फ एक ही बात चाहती है कि बस हमारा जो है नंबर ऑफ सिलेक्शन नहीं हो, नंबर ऑफ क्या हो कहने का मतलब है ज्यादा हमें दिखाना हो कि हमने इतना बहाली दिया। ठीक है ना, तो बस उनको सरकार को दिखा देना है इलेक्शन के पहले ना कि 4 लाख बहाली हमने शिक्षक में करवाया है, और पूरा जमीनी स्तर पर आपको देखेगा लमसम 1 से 1.25 लाख, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो बस यही है, वही सितवा को बार बार रिपीट कर रहे हैं, फेज वन के सीट को सीधा फेज टू में भेजे, सीधा बता दिया कि 1.5 लाख बहाली दे रहे हैं, 1,70,000 हो गया, 1.5 लाख हो गया। फिर क्या करेंगे, जो फेज वन का भी बहाली पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो पूरा फर्जीवाड़े छाटा जा रहा है, रिजल्ट अधूरा दिए हुए हैं, और उसमें का जो भी गड़बड़ी जो है निकल रहा है वो सब का फिर क्या होगा कि जितना सीट खाली होगा उसको फिर क्या करेंगे, फेज थ्री में भेज देंगे। ठीक है, तो यही सब चक्कर चलने वाला है, नौकरी नहीं मिलने वाला, बस यही खेल देखना है। सभी को मिलकर देखिए खेल, और ज़्यादा कुछ नहीं, जो उसका जो जिसका लक का तकदीर का सबसे तेज होगा उसको मिल जाएगा, है ना। तो समझिए इस बात से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आएगा तो कुछ दिनों के बाद ही आने वाला है। अभी जो बहुत सारा अफवाह उठा रहे हैं कि शाम को आ जाए, मतलब कल ही दिया बताया था कि यानी 4 दिसंबर को, कि कल शाम को आएगा। ठीक है, तो कल शाम को आएगा तो नहीं होगा, नहीं आज शाम को, तो समझिए कि आज भी नहीं आने वाला है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तब जब आपका बीपीएससी फेज टू का एग्जाम हो जाएगा तभी आएगा।